good morning students welcome back to the new session of learning we are this is your accounts class and we are doing chapter number 1 that is not for profit organization in the last video i had dealt with uh, all the explanations related with npo as a basic concept we had also ex i had also explained you about receipt and payment account okay so today i'm going to revise this receipt and payment account and i will proceed further ओके सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग देख हमने, हमने देखा था कि एनपीओ में तीन एनुअल अकाउंट बनते हैं पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तीसरा है बैलेंस शीट एंड जिस जो बैलेंस शीट जैसे हम पहले बनाते थे उस तरह का नहीं होता है यहाँ पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाला बैलेंस शीट बनता है ये क्या है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे दूसरी बात हमने देखा कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है तो हमने देखा कि ये अकाउंट इज सिमिलर टू कैश अकाउंट ये कैश अकाउंट की तरह ही होता है एंड इन दिस अकाउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड हमेशा कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होता है मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं दिस इज बेसिस बेस्ड ऑन कैश बेसिस अकाउंट आपने इलेवंथ क्लास में एक चैप्टर ही पढ़ा था कि दो मेथड्स हैं रिकॉर्ड करने के अकाउंट्स पहला है कैश मेथड एंड दूसरा है एक्यूरल बेसिस मेथड ठीक है अब एक बेसिस मेथड क्या होता है वो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में ही सो so, ये कैश बेसिस में बेस्ड होता है इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर कोई भी ट्रांजेक्शन हो ये रिकॉर्ड कर लेता है ताकि चाहे वो हैवी ट्रांजेक्शन हो या फिर स्मॉल ट्रांजेक्शन हो ठीक है तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करेंगे ये देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ कैश अकाउंट कैश अकाउंट जो आपने पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अब कैश अकाउंट बनाऊंगी तो आप लोग हैरान परेशान हो जाओगे हो जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट दिस इज रिसिप्ट एंड दिस इज पेमेंट ठीक है तो यहां पे हम जो भी हम रिसीव कर रहे थे जो भी हमारे पास कैश आया है ठीक है कैश आता है ठीक है वो हम इधर रिकॉर्ड कर लेते हैं और इधर जो भी हमारा कैश जाता है उसको भी हम क्या कर लेते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं ठीक है तो ये हमारा जो हमने पढ़ा था कैश अकाउंट में जो कैश आता है हम इधर रिकॉर्ड कर लिए जो कैश जाता है उधर हम रिकॉर्ड कर लिए तो ये बस यहाँ पे हम अगर इसका नाम चेंज कर दे और लिख दे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो मतलब कहने की बात यह है कि कैश अकाउंट और रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट लगभग सेम सेम है ठीक है तो यहां हमारा कैश अकाउंट कैसे स्टार्ट होता था टू बैलेंस बी ठीक है और अगर नेगेटिव बैलेंस रहा ओवर रहा तो इधर भी हम लिखते थे बाय बैलेंस बी ठीक है साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि हमारे पास कैश कहाँ कहाँ से आएगा तो नॉर्मल बिजनेस में दो जगह से कैश आते हैं या तो अपने गुड्स बेच दो या फिर अपने असिट्स बेच दो तो हाँ लिखेंगे सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ असेट्स तो हमें बेसिकली दो जगह से पैसे मिलते हैं पहले तो हम जो गुड्स बेच देते हैं ठीक है दैट इज ए स्मॉल रेवेन्यू नेचर का है क्योंकि ये स्मॉल होता है गुड्स बेच करके आपको लाख दो लाख नहीं मिलने वाले एक गुड्स का जो भी रेट होगा वही आपको मिलेगा ठीक है और अगर आप कार बेच रहे तब तो आपको लाख दो लाख मिल सकती है मतलब डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ गुड्स यू आर सेलिंग ओके एंड सेकेंड इज सेल ऑफ अब मतलब बिग अमाउंट होती है या फिर हैवी अमाउंट होती है तो कैपिटल नेचर की होती है इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है की uh, ये ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर का है ये ट्रांजेक्शन करें क्या रेवेन्यू नेचर का इसमें बस अगर पैसा आता है तो हमें इधर लिख देना है पैसा जाता है तो हमें इधर लिख देना है ठीक है अब पैसा कहाँ जाएगा मान लो आपने ये जो लैंड एक परचेज किया तो वहां पे पैसा चला गया ठीक है गुड्स परचेज किया तो वहां पैसा चला गया ठीक है तो अभी हमारे पास फिर इसको हम लोग क्या कर देते थे बंद कर देते थे ठीक है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट जो हम कैश में करते थे वही सेम ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे करनी है बस अब यहाँ पे नाम बदल गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसा लिखा हुआ ठीक है अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेट ये देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की फॉर्मेट कैश ओपनिंग कैश ठीक है ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम लिखेंगे अगर कैश इन हैंड है एंड कैश इन बैंक है तो हम ऐसे करके लिख करके ऐसे निकाल देंगे ओवर या नेगेटिव बैलेंस होगा तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देंगे और इस तरह से बाहर कर देंगे तो इस केस में हमें कहाँ कहाँ से पैसा आएगी सब्सक्रिप्शन से आएगा डोनेशन से आएगा ग्रांट इंट्रेंस एडमिशन फीस जनरल ग्रांट्स सेल ऑफ न्यूज़पेपर ये सारी चीजें हैं जहाँ जहां से हमें पैसा मिल सकता है यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ फिक्स असिड विच इज कैपिटल इन नेचर ओके तो यहाँ यहाँ से पैसे आएंगे और पैसा हम क्या क्या चीज़ के लिए पेमेंट करेंगे किसी को सैलरीज देंगे रेंट देंगे पोस्टल एक्सपेंसेस देंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस देंगे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन देंगे रिपेयर्स ऑडिट फी मेंटेनेंस एक्सपेंस इंश्योरेंस सेक्रेटरी फीस हॉनरोरियम म्यूनिसिपल टैक्स प्राइस डिस्ट्रीब्यूटिंग इन सारे चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं कुछ ना कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो या फिर पेमेंट कर रहे हैं और जो भी हमारा यहाँ पे आएगा उसको हम लिख देंगे बैंक ओवर और इधर में जो अगर इधर बैलेंसिंग फिगर इधर आता है तो लिखते हैं बाई बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक अब हम लोग नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें एक दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमने नेचर तो बता दिया कि ये असिट्स अकाउंट है असिट्स अकाउंट मतलब कैश हमारा क्या होता है करंट असिट्स होता है तो ये कैश अकाउंट की तरह है सिमिलर टू सो इट इज कॉल्ड असिट्स अकाउंट ठीक है सिर्फ अकाउंट है तो ये समरी होता है कैश कहाँ से आया और कहाँ गया उसका ठीक है यहां ये बैंक बैलेंसेस भी इंक्लूड करता है ठीक है दूसरा है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब अब यहां पे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं ओके कैपिटल एंड रेवेन्यू हम सारे पेमेंट्स और सारे रिसिप्ट रिकॉर्ड करते हैं हम कभी डिस्टिंग नहीं करते हैं हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं यहाँ पे कि वो कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है हम सारे को लेकर के डिस्कस कर रिकॉर्ड uh, कर लेते हैं ओके पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है करेंट ईयर का हो प्रीवियस ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो हम सारे को यहाँ पे क्या करते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं

आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस ये सारे को अक्रूड इनकम ये सारे को नहीं रिकॉर्ड uh, करते हैं क्यों क्योंकि हम लोग कैश बेसिस में अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ऑन एक्यूर बेसिस एक बेसिस में करते तो हम एडजस्टमेंट भी इंक्लूड uh, करते इसीलिए आपको रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट बनाते के समय कोई भी एडजस्टमेंट नहीं uh, लेना है नहीं रिकॉर्ड करना है ठीक है इसको बनाने का पर्पस एक ही होता है कि हमें कहां, -कहां से कैश आया और हमने कहाँ पेमेंट किया उसको जानना ठीक है हम दूसरा पढ़ेंगे इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक है हम दूसरे हेड में क्या पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिस इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है जो हमने इलेवेंथ क्लास में पढ़े आ, है पढ़, पढ़ रखा है ओके okay? इन

ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं दोनों ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन दिस वी फॉलो एक्ूरल बेसिस एक्यूरेट बेसिस इसको हम रिकॉर्ड करने के लिए एक्यूरेट बेसिस फॉलो करते हैं अब एक्यूरेट बेसिस क्या होता है ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है मान लो हमने एक जनवरी को एक जनवरी 2020 को ठीक है एक गुड्स खरीदा गुड्स परचेज वर्थ फोर्टी थाउजेंड हमने एक जनवरी 2020 को एक गुड्स खरीदा जिसकी कॉस्ट कितनी है फोर्टी थाउजेंड है बट इस डेट पे हमने पेमेंट नहीं करा ठीक है इस डेट में हमने पेमेंट नहीं करा हमने पेमेंट कब करा हमने फोर अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी को पेमेंट करा ओके दिस डेट इज अ, दिस इज नॉट नाटिंग पेमेंट ठीक है हमने इस डेट को पेमेंट करा ठीक है तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस डेट को लिखेंगे कि हमने कब ये जो ट्रांजेक्शन हुई है हम कब लिखेंगे या तो पेमेंट वाले दिन लिखेंगे जिस दिन हमें कैश रिसीव हुई फोर्टी थाउजेंड या फिर हम इस दिन लिखेंगे जिस दिन हमने गुड्स फोर्टी थाउजेंड का गुड्स बिना पैसे लिए बेच दिया बिना पैसे लिए बेचने को क्या बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन तो दिस इज कॉर एक बेसिस ठीक है accrual बेसिस का मतलब होता है कि आप जिस दिन गुड्स दे दिए उसी दिन आप क्या करोगे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे रिपीटिंग अगेन आपने जिस दिन गुड्स दे दिया ठीक है उसी दिन आप क्या करोगे अपने आ, आ, बुक्स में वो डेट रिकॉर्ड करोगे क्योंकि हम लोग इसमें मानते हैं कि कैश इज इमोर्टल बट द ट्रांजेक्शन इज इम्पॉर्टेंट वी बिलीव दैट द कैश इज immortal but the transaction is important so we will record the transactions on 1st january hum log 1st january ko ye transactions record karenge theek hai to jab hum log income expenditure banate hain to hum accrual basis ko mante hain theek hai but agar hum रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि हम उसको कैश बेसिस में फॉलो करते हैं तो हम लोग इस दिन चार अप्रैल को ठीक है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे ठीक है तो जो भी अगर कोई एक्यूरेट बेसिस मानता होगा कोई अपना बुक्स को एक्यूरेट बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहा होगा तो इस दिन रिकॉर्ड करेगा एक जन को अगर बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं कैश बेसिस पे तो हम रिकॉर्ड करेंगे चार अप्रैल पे ओके एक्ट बेसिस पे इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम एक बेसिस पे बना रहे हैं तो कब रिकॉर्ड करेंगे एक जनवरी को एंड अगर कैश uh, रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हैं तो हम चार अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे दिस इज ऑल अबाउट एक्यूरल बेसिस एंड ठीक है ओनली रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट यहां पर हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं कि नो no कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ठीक है यहां पर हम लिख देते हैं कि नो कैपिटल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड में बार बार इतना डिटेल में आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा थॉरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ईच एंड एवरी ठीक है तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए कि ओनली रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो ठीक है तो अब मैं हम लोग मान लो पी एन एल अकाउंट बनाते हैं पी एन एल अकाउंट हम डेबिट साइड लिखते हैं एंड क्रेडिट साइड भी लिखते हैं ठीक है पी एन एल अकाउंट हमारा क्या है नॉमिनल है ठीक है नॉमिनल अकाउंट होता है Nominal की स्पेलिंग कर एम ओ एन आई नॉमिनल हो गया नॉमिनल अकाउंट है ओके okay. हम इधर क्या करते हैं सारे एक्सपेंडिचर इधर एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं नॉमिनल अकाउंट का मतलब तो यही होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस क्रेडिट ऑल गेंस एंड इनकम्स और इधर में क्या एक्सपेंड करते हैं इनकम एंड गेंस ठीक है तो जितने भी एक्सपेंसेस होती हैं लाइक like, टू ऑफिस एक्सपेंसेस टू सैलरी ठीक है टू रेंट ठीक है टू बैड डेप्ट मतलब आपने तो बी एन एल अकाउंट पढ़ चुका है ओके सो आई नो डोंट नीड टू वरी मोर अबाउट दिस टू बैड डेप्ट सारे एक्सपेंसेस हुए सब हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे पीएनएल से हम अगर हमें कहीं इनकम आया टू इंटरेस्ट रिसीव्ड टू रेंट रिसीव्ड वो हम इधर लिख देते दे थे ठीक है अब मान लो मैं ये पीएनएल अकाउंट को काट देती हूँ और यहां पर लिख देती हूँ रिसीव एंड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख देती हूँ ठीक है ठीक है तो आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप जब माइंड में क्या सेट करेंगे जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो आप माइंड में सेट करेंगे कि आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी ठीक है और वहां जब आप कैश अकाउंट बना रहे हैं या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो आपको सोचना बहुत कम है वहाँ दिमाग बहुत कम लगाना है आपको सारे ट्रांजेक्शन हैं इस ईयर के हैं पिछले ईयर के हैं उसके नेक्स्ट ईयर के हैं आपको सबको रिकॉर्ड कर देना है कैपिटल नेचर के हैं रेवेन्यू नेचर के हैं कुछ नहीं सोचना है रिकॉर्ड करते जाना है बस हमें रिकॉर्ड करना है कैश कहीं से आए रिकॉर्ड कर दीजिए कैश कहीं से जाए रिकॉर्ड कर दीजिए और जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो आपको सोचना है कि आप पी अकाउंट बना रहे हैं ठीक है थेके? तो इधर आप एक्सपेंडिचर लिख देंगे और इधर आप ठीक है इनकम uh, लिख देंगे जहां कहाँ कहा से आपको कौन कौन से इनकम रिसीव हो रहे हैं और ये जो है ये नॉमिनल अकाउंट होता है आपको माइंड में रखना है कि ये नॉमिनल अकाउंट होता है ओके एंड यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि ये रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करता है आप देखो यहाँ पे कहीं भी मैंने लिखा है कि टू असिट्स परचेज ठीक है टू बिल्डिंग परचेज ठीक है कि नहीं लिखा है क्योंकि ये आपका जनरली नेचर का है ठीक है यहाँ पर मेन है कि आपका रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता है दैट इज वाई आपको केयर यहां पे करना है थोड़ा कि आपको रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है ठीक है अब हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं ये रहा फॉर्मेट हैव अ लुक ऑन द फॉर्मेट इधर देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये डेबिट एंड क्रेडिट साइड है इधर एक्सपेंडिचर सारा हम रिकॉर्ड करते हैं इधर इनकम सारा रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंडिचर जैसे हमने सैलरी दिया रेंट दिया इंश्योरेंस प्रीमियम दिया ऑडिट फीस दिया ठीक है प्रिंटिंग एंड सैलरी दिया ठीक है जितने भी तरह से एक्सपेंसेस हमने पे किया वो इधर आ गया बट ये रेवेन्यू नेचर का ही होना चाहिए इन सेम वे जितने भी हमारे पास इनकम आए ऑफ रेवेन्यू नेचर ठीक है वो हम इधर लेकर के आते हैं अब हम इसके नेचर पढ़ते हैं ठीक है या फिर नेचर बोलो। ये देखिए में लिखा हुआ है इट इज नॉमिनल अकाउंट ठीक है ये ये एक है। में आपसे बार बार पूछे जाते हैं इट इज डेबिटेड विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट विथ इनकम एंड गेन्स आपको बता दिया गया है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन सी बेसिस होती है अकाउंटिंग पीरियड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए अकाउंटिंग पीरियड इट रिकॉर्ड ऑनली इनकम एक्सपेंसिस एंड लॉसेस विच रिलेटेड टू द करेंट अकाउंटिंग पीरियड मतलब वेदर पेड और नॉट मतलब एक आप मान लो दो हजार बीस की अकाउंटिंग बना रहे हैं तो ये सिर्फ दो हजार बीस का ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा पेड है या फिर नॉट पेड है मतलब 2019 का भी नहीं करेगा 2021 का भी नहीं करेगा ओके okay? सो so, आपको ये बहुत और यही सेम अगर आप कंपेयर करें इनकम रिसिप्ट एंड इनकम ठीक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तो वो क्या करती थी वो सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड करती थी वेदर इस करंट ईयर की प्रीवियस ईयर की नेक्स्ट ईयर की बट ये क्या करेगी ये सिर्फ करंट ईयर की रिकॉर्ड करेगी सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे एडजस्टमेंट आप यहीं डालते हैं ठीक है इट डज नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है ठीक है इट्स बैलेंसेस एट द एंड इज आइदर लास्ट में देखिए हम लोग इनकम पी एन एल अकाउंट जब बनाते थे उसके रिजल्ट को प्रॉफिट एंड लॉस कहते थे बट हम लोग ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला अकाउंट बना रहे हैं ओके okay, तो यहाँ पे या, या इधर हम सरप्लस बोलेंगे या फिर डेफिसिट बोलेंगे ओके okay? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है एंड विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट हम तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल फंड के नाम पे ठीक है एडजस्टमेंट जितना ये एक्यूरल बेसिस पे बनाई जा रही है so all the adjustment relating to prepaid outstanding income provisions depreciations are recorded in this account okay that's all for today thank you for listening me for such a long time and keep studying stay safe thank you